गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो उसका आज हम पार्ट टू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कब हुई? 1839 ईस्वी में हुई थी चाय कंपनी की स्थापना। दादा भाई नरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा है। तो ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं। तो इसमें दादा भाई नरोजी द्वारा जो अपवाह सिद्धांत की थ्योरी की परिभाषा है वो दी गई। क्या है उस थ्योरी को एक बार फिर से देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। अगर ये आए तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आर्थिक दोहन को किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने ऊपर बताया, दादा भाई नेहरोजी ने। किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरोजी ने। फिर आया, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत है ये याद रखिएगा, कौन सा सिद्धांत है? निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नेहरोजी। किसने किया? दादा भाई नेहरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है? भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे। तो जो भारत में उपनिवेशवाद था तो उसके आर्थिक आलोचक कौन थे? तो सबसे पहले दादा भाई नेहरोजी। कौन थे? सबसे पहले थे दादा भाई नेहरोजी, फिर उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनका पूरा नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिर हैं तथा आर सी दत्ता या दत्त। तो याद रखिएगा, दादा भाई नेहरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त, एम जी रनाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नरोजी के उत्सारण सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। जो इतने नाम दिए हैं इनमें से कौन ऐसे थे जो ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे? तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब चलिए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। पॉवर्टी क्या दिया हुआ है? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो वो है दादा भाई नेहरोजी की। कौन सी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नेहरोजी ने लिखी। आगे देखते हैं, दादा भाई नेहरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये किसने कहा था? तो ये दादा भाई नेहरोजी का जो ड्रेन थ्योरी आई थी उससे अभिव्यक्त हुआ कि जो ब्रिटेन है वो क्या कर रहा है, भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्योंकि जो भी कुछ वहां निर्यात होता था तो वो उसका वास्तविक मूल्य नहीं देते थे। अब हम आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति। कौन सी? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसका था? कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का यह विचार था। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।